को ही गया था जरूर से। यहाँ पे सील 9 के साथ कुछ फाइट्स मुझे नजर आ रहे हैं, टीम नंबर 11 के प्लेयर्स बबलू के प्लेयर्स मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे भिड़ चुके हैं सील 9 के प्लेयर्स के साथ। एंड अभी भी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सील 9 के एक भी बंदे को थोड़ा सा भी लो नहीं किया गया, बट आई कैन सी दैट यहाँ पे एक टीम एक बबलू के एक प्लेयर को यहाँ पे नॉक किया गया। एंड ऑफकोर्स यहाँ पे उनके ऊपर पुश भी करने की एक चेष्टा कर रहे हैं, आमरा की तरफ से यहाँ पे एक पुश देखने को नजर आ रहा है। यस ऑफकोर्स यहाँ पे अगर बात करें उनके बारे में तो यहाँ पे जरूर से थोड़ा सा देख के रहना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे दिक्कतें बढ़ सकती है उनके लिए। ऑफकोर्स यहाँ पे उनका एक बंदा नॉक है, उसके प्लेयर भी यहाँ पे मुझे नजर फाइट लेते हुए जॉर्जो कंटेनर्स की तरफ। एंड ऑफकोर्स यहाँ पे थोड़ा सा अर्ली एंगेजमेंट्स लेते हुए थोड़ा सा यहाँ पे देख के रहना पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि अर्ली एंगेजमेंट्स लेने के वक्त आपको नॉक एंड फिनिश किया जाए। एंड जैसे कि मैं किलफिट पे देख सकता हूँ रॉ जोकर ने यहाँ पे पैर के एक प्लेयर को जरूर से नॉक किया, बबलू ने यहाँ पे जरूर से एक नॉक किया है, इनकी को निकी को नॉक नहीं बल्कि नॉक एंड फिनिश करेंगे। एंड सब उसके यहाँ पे थोड़ा सा इनकी को देखना पड़ेगा कि किस तरीके से ये सारी गलतियां ना की जाए उनकी तरफ से। यहाँ पे पैरा की टीम के बारे में यहाँ पे यस एंड क्विक को यहाँ पे नॉक कर दिया गया। एंड गिव एंड उनके और एक टीममेट विश की बात की तो वो थोड़ा सा यहाँ पे फॉल बैक करने की कोशिश करें टीम 11 के बात करते हैं यहाँ पे नो यार ऊपर की तरफ आती है आमरा यहाँ पे जरूर यहाँ पे घर के अंदर जो भी चल रहा है बहुत ही खराब हो चुका है। सील 9 के प्लेयर्स के लिए दो बंदे यहाँ पे नॉक हो जाएंगे यहाँ पे किसे सील 9 के प्लेयर्स को वाइप आउट कर देगी। एंड ये बहुत 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 ज्यादा खराब हुआ सील 9 के प्लेयर्स के लिए। ऑफ कोर्स यहाँ पे एक एग्रेशन दिखाने की कोशिश थी सील 9 एंड मोस्ट पहले उनका किल यहाँ पे चोरी हो चुका है, थोड़ा सा ये चीजें उनको देखना पड़ेगा। बेनम के प्लेयर्स की जो मैं बात कर रहा था भाई वो लोग यहाँ पे फाइट लेना चाहते हैं। एंड यहाँ पे देखते थे कितना ज्यादा यहाँ पे वो लोग यहाँ पे पिछले मैच से डिसअपॉइंटेड है कि भाई इस बार यहाँ पे जो भी फाइट उनको दिख रहा है वो फाइट के अंदर यहाँ पे कैपिटलाइज करना चाहते हैं। उनको पता है कि फाइट हमें लेना है, फाइट यहाँ पे अच्छे तरीके से हम लोग कंप्लीट करना है एंड अपने यहाँ पे डिसअपॉइंटेड फैंस को यहाँ पे अच्छी तरीके से समझा देना है कि भाई हम लोग बिल्कुल भी यहाँ पे गलतियां नहीं करना चाहते, बढ़िया तरीके से ये वाला फाइट निकाला जाए। वर्ल्ड एंड स्क्रीन शॉट यहाँ पे एक साथ दो बंदे नॉक हो जाएंगे एंड इस बार यहाँ पे गलतियां शुरू हो चुकी है। टीम नंबर 15 यहाँ पे नहीं चाहेगी बिल्कुल इस वाले पोजीशन के यहाँ पे छोड़ने के लिए। एंड अगर यहाँ पे हसन ओपी पुश कर देते तो यहाँ पे विनम को यहाँ पे देखना पड़ेगा किस तरीके से गेम दिखा देता है। बहुत ज्यादा नॉक करने के साथ यहाँ पे हसन ओपी को अभी भी बिल्कुल भी लो नहीं किया गया, सबसे यहाँ पे बढ़िया नॉक निकालेंगे जोन के बाहर को भी नॉक निकालेंगे। एंड आई थिंक विनम यहाँ पे फिर से एक बार दिक्कत में पड़ेगी। हसन ओपी विद दैट ब्यूटीफुल 1v3 बहुत ही शानदार तरीके से जरूर से फॉरन इंस्टेंस यहाँ पे एक बंदे की बात करें यहाँ पे लो थे जरूर से बट स्टिल इट्स 1v3 एंड हसन ओपी यहाँ पे 1v3 कर जाएंगे। यहाँ पे वो चिकन डिनर WZB को और ज्यादा देर तक यहाँ पे मिलने वाली है। HB वर्सेस CL बबलू यहाँ पे होने वाली है, 2v2 का मोस्टली सिचुएशन होने वाला है बट देखना पड़ेगा यहाँ पे 2v2 नहीं बल्कि यहाँ पे 3v3 का एक सिचुएशन होने वाला है मोस्टली। यस इज गोना बी अ 3v3 सिचुएशन क्योंकि यहाँ पे मलिक्स तो फिलहाल जिंदा बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। रन्स इतर को यहाँ पे नॉक एंड फिनिश किया जाएगा बहुत जल्दी बट हैवक यहाँ पे बहुत ज्यादा लो हो जाएंगे, देखना पड़ेगा हैवक को अब नॉक किया जाता है, बहुत ज्यादा लो हो चुके हैं। एक बुलेट का सिर्फ फासला, एक बुलेट यहाँ पे कनेक्ट होगा एंड यहाँ पे यान की तरफ से एक नॉक हमें देखने को मिलेगा हैवक को बट यहाँ पे ज्यादा ओपन में जाएंगे नॉक एंड फिनिश यहाँ पे ओपन में जाएंगे तो यहाँ पे हैवक भी नॉक हो सके। यान को पोजीशन यहाँ पे देख लिया गया बट यहाँ पे अभी भी गेम के अंदर जिंदा है 420 बॉय एंड वुल्फ यहाँ पे जरूर से नेट करने की कोशिश करते हैं। हैवक यहाँ पे नॉक हो चुके हैं, यहाँ पे जोन के अंदर जाने की कोशिश करेंगे, एक मॉल यहाँ पे आया जरूर से देखना पड़ेगा यहाँ पे नॉक एंड फिनिश कर सकते जरूर से। यहाँ पे बबलू की टीम ये वाला चिकन यहाँ पे निकाल लेगी एंड जैसा कि मैं कह रहा था मतलब ये वाला विनर विनर चिकन यहाँ पे बबलू बिल्कुल भी अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहती थी, तरफ से भी देखना पड़ेगा वो यहाँ पे प्रॉपरली कर भी रहे, उनको पता है कि भाई यहाँ पे हर एक तरफ से मेरे तरफ बंदे आ सकते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता। कितने यहाँ पे मुझे दूसरी तरफ बाइक के प्रवीण को नॉक करते हुए नजर आ रहे हैं, जेड ई एलिमिनेट के प्लेयर्स यहाँ पे कुछ बढ़िया फिनिशर्स नहीं देते नजर आ रहे हैं। क्रिप्टो यहाँ पे फिलहाल जिंदा बचेंगे, रिव्यूज यहाँ पे जिंदा बचेंगे बट अब भी गेम के अंदर म्यूजियम को बचाना उठाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टीम नंबर 23 के प्लेयर्स यहाँ मुझे दूर नजर आ रहे हैं इन द इन द व्यू बट मोस्टली दे आर रियली टू फार फ्रॉम दिस एरिया एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे अभी भी कोई फाइट देखने को नहीं मिला। वाइज के प्लेयर्स यहाँ पे जिगल मोस्टली एक बंदे को नॉक एंड फिनिश करेंगे, रिव्यूज यहाँ सामने की रहेंगे, उनका हेलमेट बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। यहाँ पे पिछले मैच में भी दो बंदों ने मिलकर जिस तरीके गेम से दिखाया था बहुत ज्यादा शानदार था। जिगल यहाँ पे एक बंदे को स्पॉट कर लेंगे, क्रिप्टो को यहाँ पे स्पॉट कर लेंगे, सामने की तरफ जाने की कोशिश करते जरूर से बट एजिन को यहाँ पे थोड़ा सा आग लग गया है, जल्दी जल्दी यहाँ पे एक्सटिंग्विश करना पड़ेगा आपको बट यहाँ पे जल्दी जल्दी इस बंदे को भी रोकना पड़ेगा नहीं तो यहाँ पे जर इलिमिनेट के क्रिप्टो नॉक एंड फिनिश कर जाएंगे एक बंदे को। धीरे धीरे अपना पोजीशन जल्द से यहाँ पे देना नहीं चाहते बट नो 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 दिस इज अ रियली रॉन्ग थिंग। वायरस के जिगल को यहाँ पे नॉक एंड फिनिश कर दिया, वायरस की पूरी टीम को यहाँ पे फिनिश अप कर जाएगी एंड जर इलिमिनेट
Crypto and his other teammate are really too OP. Great, great gameplay from both of them and करने वाला होगा नहीं उनको. So let's see यहाँ पे किस तरीके से होता है वो चीज. Crypto यहाँ पे कुछ बढ़िया knocks and finishes निकाले. Sinner को यहाँ पे knock and finish किया जाएगा. And okay यहाँ पे Sinner को knock and finish किया जाएगा. But ZD के players यहाँ वो तो you know पहले यहाँ पे UZM को यहाँ पे knock and finish करने की try कर रहे थे. But उसके बाद यहाँ पे UZM सामने की तरफ आएंगे. शानदार यहाँ पे मिनी के टैब्स हमें यूजीएम की तरफ से देखने को मिले एंड दैट इज रियली सेटिस्फाइंग मैन. दैट इज रियली सेटिस्फाइंग. मुंके यहाँ पे नॉक हो चुके. मुंके के ऊपर पुश करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा. आमरा यहाँ पीछे की तरफ से आएंगे. मुंके को यहाँ पे रिवाइवल देना पड़ेगा. बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा. बट आई डोंट नो यहाँ पे रिवाइवल देके भी कुछ फायदा होगा या फिर नहीं, क्योंकि यहाँ पे जेडी के सारे प्लेयर्स यहाँ पे आ जाएंगे. बहुत ज्यादा ही कुछ ओपन पोजिशन में यहाँ पे रिवाइवल दिया जा रहा है एंड रिवाइवल दे भी दिया गया तो आई डोंट नो यहाँ पे कहाँ से निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हर एक चार मतलब चारों तरफ से यहाँ पे जेडी के प्लेयर्स इनको घेर रहे हैं. देख ही सकते हैं यहाँ पे जो जो तालाब है बहुत ज्यादा भराया जा रहा है आमरा के ऊपर. आमरा यहाँ पे नॉक एंड फिनिश हो जाएंगे. उसके लिए यहाँ पे व्हीकल जस्ट यहाँ पे बचते बचते रह जाएंगे. आमरा के ऊपर यहाँ पे बिल्कुल यूजीएम है. ऊपर की तरफ यहाँ पे मुझे जेडी के सारे प्लेयर्स की नजर आ रहे हैं. आमरा यहाँ बिल्कुल ओपन में फंस चुके. पीछे की तरफ से बंदे आ चुके, सामने की तरफ बंदे आ चुके, साइड से बंदे आ चुके हैं. आमरा को यहाँ पे नॉक किया जाएगा. साथ के साथ यहाँ पे मुंके को भी नॉक किया जाएगा. उनको फिनिश ऑफ भी किया जाएगा. एंड ऑफकोर्स यहाँ पे सीन लाइन का लास्ट बंदा यहाँ पे एक बचेगा. मुझे देखना पड़ेगा वो कब तक टीम के अंदर आते हैं, लिस्ट के अंदर आके एक बढ़िया गेम पे दिखा पाते हैं. फिर यहाँ पे और तो कोई बंदा नहीं है. यूजीएम को लग रहा है कि और कोई बंदा यहाँ पे स्मोक के अंदर हो सकता है. बट नेवरदलेस यहाँ पे और कोई बंदा यहाँ पे यू नो इस तरफ यहाँ पे सीन लाइन के प्लेस ऑन नहीं है. तो फिलहाल गया डोमिनेशन यहाँ पे बनता हुआ जेड इल्यूमिनेट के लिए. एंड जेड इल्यूमिनेट ओपन द चैट कर दो गाइस. पिछले कुछ मैच बाद देते हैं बिल्कुल यहाँ पे डोमिनेशन के साथ साथ यहाँ पे सामने वाले टीम को फिनिश आउट करने में ज्यादा दिक्कत नहीं दिखा पाते. जियोल को यहाँ पे नॉक किया जाएगा एंड जियोल को यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया तरीके से फिनिश ऑफ भी करेंगे. रॉकेट ब्लाबला M249 से कुछ बढ़िया यहाँ पे शॉट दिखा रहे हैं, कुछ बढ़िया जादुई गेम प्ले दिखा रहे हैं. एंड वो इधर यहाँ पे ब्लाबला ओपन द चैट कर दो गाइस. 1v2 यहाँ पे कर चुके हैं. 1v4 यहाँ पे कर पाएंगे या फिर शॉल को यहाँ पे फिनिश किया जाएगा. ब्लाबला के ऊपर एक मॉली यहाँ पे जरूर से क्लिक करा जाएगा. ब्लाबे यहाँ पे नॉक एंड फिनिश जरूर से नहीं होना चाहेंगे. ओके यहाँ पे उनकी तरफ से भी एक नेट कुक किया जा रहा है. एंड ये नेट यहाँ पर अगर एबले को नॉक करता है तो भाई बहुत ज्यादा दिक्कत होगी एंड एबले यहाँ पे नॉक हो जाएंगे. बट यहाँ पे ब्लाबला भी बहुत ज्यादा लो चुके हैं. यहाँ पे वॉली से जरूर से बच जाएंगे. बट नेट यहाँ पे बहुत ही ज्यादा शानदार था. एबले यहाँ पे थोड़ा सा उनमें जरूर से आना चाहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि भाई उनके जरूर से यूजीएम का ये पोजीशन आई डोंट नो यहाँ पे अभी भी यहाँ पे क्लाउड को क्यों नजर नहीं आ रहा. बट यहाँ पे क्लाउड का जो पोजीशन है मोस्टली यहाँ पे उनको नजर आ रहा है. बिल्कुल सामने यहाँ पे बंदे है एंड यहाँ पे बिल्कुल सामने यहाँ पे बंदे थे. बट इतना ज्यादा ऊपर उनको जाना नहीं चाहते. यूजीएम को यहाँ पे नॉक कर दिया गया. आई डोंट थिंक यहाँ पे टीम नंबर 14 के प्लेयर्स एजी के प्लेयर्स और रुकने वाले. उनको पता है कि सामने की तरफ यहाँ पे बस दो ही बंदे जिंदा है, जॉनी एंड क्रिप्टो. एंड जॉनी एंड क्रिप्टो मिलकर क्या गेम पे दिखा पाते हैं वो यहाँ पे दिखना पड़ेगा. क्रिप्टो का पोजीशन बहुत ज्यादा क्रूशियल है. क्रिप्टो यहाँ पे एक सरप्राइज अटैक जरूर से दिखा सकते हैं शैक के अंदर से. जॉनी का पोजीशन भी बहुत ज्यादा खुशी है, क्योंकि जॉनी का पोजीशन भी यू नो सामने वाली टीम को पता नहीं है. बट इस बार यहाँ पर साउंड को नॉक किया जाएगा. है बट यहाँ बहुत ज्यादा नॉक हो जाएंगे. एंड जी एंड टीम यहाँ पर बच जाएंगे. जॉनी यहाँ पे नॉक करेंगे बाहर की तरफ आएंगे. तीन बंदे यहाँ पे मोस्टली दो बंदे नॉक हो जाएंगे. हैवक बहुत ज्यादा मेरे आई थिंक यहाँ पे इस बार अगर फाइट अच्छी तरीके से निकालेंगे तो इसे इल्यूमिनेट इन द चैट कर दो गाइस. दिस इज इट. दिस इज द थिंग दैट जेडी इल्यूमिनेट वेर लुकिंग फॉर एंड दिस इज द गेम दैट दे वर लुकिंग फॉर. दिस इज द मैच दे वर लुकिंग फॉर. एजीवी को पूरी तरीके से वाइप आउट कर देते. चार बंदे थे एजीवी के. यहाँ पर अगर बात करें जेडी इल्यूमिनेट के तो उनके बस दो ही बंदे थे. 2v4 दैट वॉज रियली हेल ऑफ अ गेम प्ले फ्रॉम देम. That is really, really great, guys. Johnny, open the chat, kar do, guys. Zeddy Illuminate, open the chat. Position ki baat karte hain, yahan pe I8 Crypto from Team Illuminate Esports with 9 kills and a KPM of 2.25% at 5 PM. And that this is the thing. Seal 9 yahan pe, you know, apne liye yahan pe seal karenge aaj ke liye. 11th position mein, 30 points ke saath vibe le loge. To bhai, aur kaun aapko chhu payega? Mostly, yahan pe 15 points ka lead hai unse.